हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन। ये एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी जोडियक साइन के लिए है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, जब तक हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? तो पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है प्लीज़? ओ Seven of Wands, Nine of Cups. Ace of Swords. इसके बाद अगर नेक्स्ट सेक्शन क्या है? ओके, नेक्स्ट सेक्शन। ओके, द लवर्स, द मैजिशियन, फोर ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कंफ्यूजिंग है आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ। ओके, ठीक है, बॉटम में है द हेरमिट। फाइनली उन्हें गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहा है, कोई एक ऐसा पर्सन गॉड ने उनकी लाइफ में भेजा है जो आप दोनों के रिश्ते में वापस आपके पार्टनर को लेकर आने की कोशिश कर रहा है। आप खुद, आपके खुद के थॉट्स पॉजिटिव हो रहे हैं यहाँ पर कि सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। ओके, अगर आपके पार्टनर की बात करूँ कि उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या है, तो बहुत ही प्यारा नेक्स्ट सेक्शन आया है। यहाँ पर मुझे लगा था कि क्या कन्फ्यूज़न चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। यहाँ पे नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो साफ दिखाता है कि आपके पार्टनर के ऊपर उनके घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है उनके करियर में भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं देखूँ तो उनके आसपास के लोगों से उनके काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर की वो आपकी तरफ आगे बढ़ें, उन लोगों का सामना करें या उन लोगों से दूरी बना लें जो उनके अपने ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, और काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पार्टनर के, उनके फैमिली में हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स में, उनके कॉलेज, सभी से। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जिस भी पर्सन ने नेगेटिविटी फैलाई थी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की थी, उसकी कुछ तो बातें आपके पार्टनर को ऐसी पता चली जिससे कि उसे समझ आया है कि मुझे इन लोगों की सी बातें सुननी है, इनके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। ऑलरेडी मैं बहुत सारा कुछ गलत कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ इस रिश्ते में किसी पर्सन की बातों में आकर। ओके, एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है आपके रिश्ते के लिए पूरी तरह से एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ये देखा जा सकता है कि आपके पार्टनर के और आपके रिश्ते के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग हैं,
या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है उन सब से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहे हैं आपके पार्टनर के, हो सकता है आपके भी मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहे हो। आपको जल्दी है कि आपके पार्टनर या तो रीयूनियन करें या तो आकर जल्दी से मुझे एक कमिटमेंट दें जिससे मुझे ऐसा लगे कि हाँ भाई मुझे इसी पर्सन के साथ में रहना है, कितना मेरे को इंतज़ार करना है। ये आपकी एनर्जीज़ है। ओके, आपके भी झगड़े हो सकते हैं किसी अपने आसपास के, मतलब आपके घर में, फैमिली में, अपने फ्रेंड से हो रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा मूड स्विंग अपना मतलब नहीं करना है, कंट्रोल करना है इन सब चीज़ों को लेके। आपके पार्टनर मुझे एक कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से कहते हैं ना झगड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि हो सकता है कुछ समाज सोसाइटी का इशू हो, लेकिन यहाँ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन सब चीज़ों का सामना करने के लिए आपके पार्टनर वहाँ पे है और वो इन सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फैमिली में किसी न किसी पर्सन से आपसे बात की है। आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इस पर्सन के साथ रहूँगा तो मेरी फैमिली अच्छी रहेगी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, फाइनेंशियली ये ठीक है जिसके साथ मैं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। आपकी सारी अच्छाइयाँ दिखाई देने लगी हैं आपके पार्टनर को। पहले अगर किसी पर्सन की बातों में आकर उन्हें आपके अंदर कमियाँ दिखाई देने लगी थी, उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया था कि तुम पहले की तरह बिहेव कर रहे हो या मेरे एक्स की तरह बिहेव कर रहे हो, कुछ भी ऐसा बोला था, तो लेकिन इन दोनों में आपके पार्टनर को आपकी खूबियाँ ज़्यादा दिखाई देने लगी हैं। आपने उनको जो गिफ्ट्स दिए थे या उनको कुछ कुछ टी शर्ट वगैरह गिफ्ट किया था, कोई टॉप वगैरह गिफ्ट, वो उसको पहनकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं और देखा जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, है नाइन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर एम्प्रेस। आपके लिए थ्री काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, सिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, ट्रिपल थ्री आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है। यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है, आपने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। जिसने नहीं किया है वो प्लीज़ सेल्फ लव स्टार्ट कर दें। आप एक कमिटमेंट रिसीव करने वाले हैं। आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है या आपके पार्टनर की, तो वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे खुद को हील कीजिए, पॉजिटिव कीजिए। आप कर सकते हैं मेडिटेशन, ओके, अपना मन शांत करने की पूरी कोशिश करें। और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे थे, उस सभी से आपके पार्टनर दूर भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ बना रहे हैं उन सभी लोगों से जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करते थे, क्योंकि आपके पार्टनर का दूसरों की बातों पे ज़्यादा यकीन कर लेते हैं, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। हालांकि आप उन्हें समझाते होंगे तो वो आपकी बात पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते होंगे। यहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जी से दौड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं आपके इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए। एंजल्स की खास ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है मुझे आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं वहीं आपके पार्टनर भी मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल लव है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप दोनों। नेगेटिविटी को आप खासतौर पर भूल जाइए क्योंकि आपके पार्टनर भी भूल कर उन सभी चीज़ों से अलग होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकली एक दूसरे की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को, सेम एनर्जी से आपके पार्टनर की, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द मैजिशियन, यहाँ आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर भी कर रहे होंगे, विजुलाइज़ कर रहे हैं आप दोनों ने जो साथ में टाइम स्पेंड किया था उस सभी को ध्यान में रखकर आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर ऐसा था कि कन्फेस नहीं किया था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर और आप एक अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप में आने वाले हैं जो लाइफ टाइम चलने वाला है। और अगर आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दे दिया तो यहाँ कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे जब आपके पार्टनर गए थे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ करके गए थे चीज़ें, तो आपको उनको भूल जानी है, लेकिन जो भी चीज़ें आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। फोर ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपके पार्टनर थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं दिल और दिमाग से आपके बारे में। यहाँ पर उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी इस वक्त आप हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ अब रीयूनियन कर लिया जाए और जाके कहीं और किसी और सिटी में आप दोनों रहना चाहेंगे या फिर अपनी ही सिटी में किसी प्यारे से घर में रहेंगे। मैरिड हैं तो ये रीयूनियन होगा, लवर्स एंड टेन ऑफ कप्स सिंगल हैं, तो भाई यहाँ पे आपके पार्टनर से आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। और अगर सिर्फ आप लोग सिर्फ एक रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको एक शादी का कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो भाई आपके जो क्रश है वो उसको जाके आप अपनी फीलिंग बताते हो तो वो हाँ बोलेंगे, और कुछ दिन अगर आप वेट करते हो यहाँ पे तो आप वो जो वो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो खुद आकर आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे वो डिसाइड कर चुके हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत नेक्स्ट सेक्शन निकल कर आया है आपके पार्टनर का आपके लिए, ओके। यहाँ डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना है, आपके साथ रीयूनियन करना है। सिंगल्स की उनके पार्टनर के साथ शादी होती हुई दिखाई दे रही है, जो मैरिड है उनके साथ
उनके पार्टनर हमेशा हमेशा के लिए आके साथ में रहने लगेंगे और आपका एक अच्छा खासा परिवार होगा अपने पार्टनर के साथ में। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग और आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, मैनिफेस्ट करते रहें, जिस क्योंकि एनर्जीज आप दोनों की मैच हो रही है। जितना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे ना आपके पार्टनर की, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जीज होंगी आपको लेकर। ओके, अभी आप पे डिपेंड करता है आप कितने पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव सोच के ब्लॉकेजेस तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठ के सोचिएगा, मैनिफेस्ट कंटिन्यू करते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।